गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक नई कहानी जिसका नाम है विचित्र इनाम। विचित्र अर्थात अद्भुत, अनोखा। और इनाम आप जानती होंगी, जैसे हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इनाम मिलता है। स्कूल में जब हम क्लास में फर्स्ट आते हैं तब भी हमें क्या मिलता है, इनाम मिलता है। तो यहाँ जो कहानी है वो भी क्या है, इनाम पर आधारित है। किस तरह का इनाम, विचित्र अद्भुत इनाम। हाँ जी, तो जानती हैं कि इस कहानी में किस प्रकार का इनाम जो है व्यक्ति को मिला है। तो एक बार की बात है, राजा अकबर थे और उनके जो मंत्री, उनके सलाहकार कौन थे, वो बीरबल। तो बीरबल को कुछ लोग शिकायत करते हैं कि राजा अकबर के दरबार में जो पहरेदार है ना, उनका जो व्यवहार है वो भ्रष्ट हो चुका। व्यवहार मीन्स बिहेव, भ्रष्ट हो चुका, अर्थात उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहा। तो जो लोग हैं वो बीरबल से शिकायत करते हैं। बीरबल सोचता है कि ऐसा है तो मैं खुद ही इस बात की क्या करूँगा, तहकीकात करूँगा। तहकीकात अर्थात मैं खुद ही इस चीज़ की जांच पड़ताल करूँगा। तो जांच पड़ताल करने के लिए बीरबल जी क्या करते हैं, अपनी वेशभूषा को बदल लेते हैं, अपना जो पहरावा है, आउटलुक है, उसे चेंज कर लेते हैं और पहरेदारों के पास पहुँच जाते हैं। पहरेदारों को फिर जाकर कहते हैं कि मुझे राजा से मिलना है तो मुझे अंदर जाने दीजिए। लेकिन पहरेदार जो है वो क्या कहते हैं, नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते, राजा इस समय किसी कार्य में व्यस्त है, तो आप अभी उनसे नहीं मिल सकते। तो बीरबल जी कहते हैं कि मैं तो फारस से आया हूँ और उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे शेर लिख के आया हूँ और वो मैं उनको सुनाना चाहता हूँ। तो जो पहरेदार थे वो बड़े ही हैरान हुए कि अब जो है ये व्यक्ति अंदर जाएगा तो इसे क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा। तो क्यों ना मौके का फ़ायदा उठा लिया जाए। और वो उसे क्या कहते हैं कि जब आप अंदर जाओगे, शेर सुनाओगे तो राजा प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होकर क्या करेंगे, जब कोई अच्छा कार्य होता है, लोग खुश होते हैं तो उसके बदले क्या देती हैं, प्राइज़ देती हैं ना, इनाम देती हैं। तो राजा क्या देगा, इनाम देगा। तो वो इनाम जो बीरबल को, यानी कि उस व्यक्ति को जो वेश बदल के आया था उसको मिलेगा, उसका आधा 50% जो है वो पहरेदार लेंगे। तो वो राजी हो जाते हैं कि ऐसे करो, आप अंदर जा सकते हो, लेकिन जो भी आपको इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा आप हमें दोगे। लेकिन ये बात दरबार में जाकर आप किसी को भी नहीं कहोगे, सिर्फ राजा को इस बात का जो है वो पता है। तो जो बीरबल था वो एग्री हो जाता है, सहमत हो जाता है और कहता है ठीक है, जितना भी मुझे इनाम मिलेगा आधा आप ले लेना और आधा मैं रख लूँगा, तो मैं अंदर जा सकता हूँ। तो पहरेदार बोले कि हाँ, आप अंदर जा सकते हो। तो बीरबल जो था वो अंदर जाता है, उसने वेशभूषा बदली होती है, किसी को पता नहीं होता कि वो बीरबल है। वो अंदर जाता है और अपनी शेर व शायरी जो है वो शुरू कर देता है। राजा बहुत खुश होता है उसके शेर सुन के और कहता है कि इसको बहुत अच्छा को इनाम दिया जाए, है ना। होता है कि जब अच्छा लगेगा कुछ राजा को तो राजा इनाम देगा। तो लेकिन जब वो उसे इनाम देने लगता है तो बीरबल बोलता है कि क्या मैं अपना मनचाहा इनाम ले सकता हूँ, आप मुझे मेरा मनचाहा इनाम दोगे, आप खुश हुए हो तो मुझे मेरा मनचाहा इनाम चाहिए। तो राजा कहता है ठीक है, मेरे पास तो बहुत धन दौलत है ना, बहुत खजाना है, तो कुछ भी मांगो मैं देने को तैयार हूँ। तो बीरबल कहता है कि मुझे 100 कोड़े चाहिए। सभी जो दरबार में मंत्री बैठे होते हैं वो सब हैरान हो जाते हैं कि ये क्या मांग रहा है, इतना अच्छा इसने हमारा जो है मनोरंजन किया है, हमें अच्छी शायरी सुनाई है, अच्छे शेर सुनाए हैं, और ये उसके बदले में 100 कोड़े मांग रहा है। लोग तो जो है धन दौलत मांगते हैं, लेकिन ये क्या मांग रहा है, कोड़े, कोड़े समझते हो, 100, ठीक है। तो राजा पहले तो हैरान होता है, लेकिन फिर उससे पूछता है कि पहले ये बताओ कि तुमने अपने लिए ये क्यों मांगा। तो बीरबल जो है वो कहता है कि मैंने अपने लिए नहीं ये मांगा, ये आपके जो पहरेदार हैं उन्होंने मुझे अंदर आने के लिए क्या कहा था कि जब आपको अंदर से जो भी इनाम मिलेगा वो उसका आधा हिस्सा जो है आप हमें दोगे, तो आधा हिस्सा उनको देना है और आधा मैं रखूँगा। अर्थात जो 50 है, 100 कोड़े मांगे तो 50 कोड़े उनको देने हैं और 50 कोड़े मैं अपने शरीर पर जो है लूँगा। तो राजा जो कहता है कि जाओ उन पहरेदारों को ये जो 50 कोड़े हैं वो रसीद कर दिए जाए, रसीद अर्थात उनको मारे जाए।
तो उनको जो पहरेदार हैं उनको 50 कोड़े मारे जाते हैं, लेकिन बीरबल को वो 50 कोड़े हैं जो नहीं मारे जाते। और क्या किया जाता है, लास्ट में जो है राजा है वो खुश होता है कि जो देखो जो पहरेदार हैं वो भ्रष्ट हो चुके थे, उनको उनकी सज़ा मिल गई। और वो बीरबल को कहता है कि आप तो यहीं पर रह जाओ, इसी दरबार में रहो, क्योंकि उसने अपनी बुद्धिमत्ता से जो है कार्य किया था, उसके पहरेदारों को जो सज़ा दिलवाई थी उस वजह से जो राजा है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहीं पर रहो। तो बीरबल मुस्कुरा के बोलता है मैं तो यहीं पर ही हूँ, क्योंकि बीरबल को पता होता है कि मैं तो यहीं पर ही हूँ, वो तो वेश बदल कर वहाँ पर आया होता है। तो इसी तरह जो स्टोरी है वो हमारी ख़त्म होती है। तो आपको क्या लगा, इस कहानी के जरिए क्या शिक्षा मिली? हाँ जी, तो इस कहानी के जरिए हमें एक तो ये शिक्षा मिली है कि हमें कभी भी अपने अधिकार का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब देखो, अगर पहरेदार जो है कंटिन्यूसली जिस हिसाब से वो अपना कार्य कर रहे थे ईमानदारी से, अगर वो करते रहते तो उनको कोई भी सज़ा नहीं मिलती, और इसके बदले में भी उनको कुछ अच्छा पुरस्कार भी मिलता, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने अधिकार का दुरुपयोग किया, उसे गलत रास्ते में वो चले गए, इसलिए क्या हुआ, उनको सज़ा मिली। ठीक है, दूसरा, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।